आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे बिहार कार्यपालक सहायक की ओर से आई हुई एक ऑफिशियल अपडेट के बारे में, जो कि ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित है। यानी कि जो भागलपुर जिला में अभी ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया है, उस संबंध में हमने एक वीडियो बनाए थे। उस वीडियो में बहुत सारे आप लोग का कॉमेंट आए हैं, जो कि इस वीडियो में आप लोग को कवर किया जा रहा है और इस वीडियो में आप लोग को अधिक जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले, हमने जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में जो है 30/8/2019 को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप लोग को बताया गया कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिस लेटर नंबर जो आप लोग का देख पाएंगे 13/03, ठीक है। लेटर नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 13/03 ये जो है आप लोग का प्राप्तांक नंबर है, लेटर नंबर है, ठीक है। और ये जो PDF जारी किया गया, इसमें जो है जिनका भी यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, उनका नाम है, उनका पूरा डिटेल्स है। तो चलिए इसमें क्लिक करके PDF को डाउनलोड करते हैं और आगे की और चलते हैं। अब आप लोग को सबसे पहले बताना चाहूँगा, अभी जो यहाँ पे आदेश जारी किया गया है, यहाँ पे 6 लोगों का यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग दिया गया और उनको बताया गया कि आप लोग जो है उप सभी जो लाभार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आप लोग अपना जो है तिथि 1 सप्ताह के अंदर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। 1 सप्ताह के अंदर जो है अपना जो भी सामान है वो जो है कार्यालय में जाके आप लोग जो है यहाँ पे सुनिश्चित करवाएंगे, उसके बाद आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बात करेंगे, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि अभी तो वैकेंसी निकला है, एग्ज़ाम कब हुआ, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गया। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, ये आप लोग का पुराने पैनल के जो छात्रगण हैं उनका यहाँ पे ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, बहुत पुराना है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, पुराना पैनल का है और जो नया पैनल आप लोग का जो है ऑनलाइन अप्लाई हुआ है वो जो है रद्द कर दिया गया है, ठीक है, जो कि आप लोग को भी पता है। तो बताना चाहूँगा आप लोग को, बिहार सरकार जो अभी जो है जो BPSM की जो बहाली जो अभी बेल्ट्रॉन के माध्यम से जहाँ आप लोग का ट्रांसफ़र कराया जा रहा है, वहीं यहाँ पर अभी जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की ओर से ये न्यूज़ निकल के आया है कि ज्वाइनिंग जो पुराने पैनल के स्टूडेंट हैं उनको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जब जो है यहाँ पे राधी कर दिया तो फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग का कोई जो यहाँ पे बात ही नहीं होती है। तो अभी जो है इस ज्वाइनिंग से बहुत ऐसे जो छात्रगण हैं जिसको जो यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, किस प्रकार आप लोग को बताना चाहूँगा। जो लोग जो है अभी आंदोलन कर रहे हैं या फिर जिनका पैनल पर नाम है, उन सभी को यहाँ पर फ़ायदा होगा एक प्रूफ के तौर पे, ठीक है। जब बिहार सरकार घोषणा कर ही दी है कि जो कार्यपालक सहायक की जो है बहाली अब जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से ली जाएगी, तो फिर अब जो है लेटेस्ट अपडेट कैसे निकल के आ गया है कि आप कैसे ज्वाइनिंग दिलवा सकते हैं, इसको लेके जो है जितने भी पेज और भी जो पैनल पर बने हुए हैं अलग अलग जिला के बिहार के, वो सभी जो है अभी इसको प्रूफ के तौर पर मानेंगे और फिर जो है सभी लोग इसके विरुद्ध आगे आएंगे और अपने जो ज्वाइनिंग है उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो उनका भी शायद हो सकता है, तो आगे जो भी हो वो तो आप लोग को बताएंगे ही। तो आप लोग कंफर्म यहाँ पे हो जाइए, जो बहाली आप लोग का निकाला गया था भर्ती 2019 के लिए आप लोग का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो आप लोग का जो यहाँ पे वो रद्द कर दिया गया, लेकिन जो पुराने पैनल के जो स्टूडेंट है कुछ थे बच्चे कुछ उनका ज्वाइनिंग दिया गया, ठीक है, जो कि गलत है। एक बार जो घोषणा कर दिया गया है उसके विपरीत यहाँ पर जाते हुए सरकार दिख रहे हैं। तो सरकार की क्या मंशा है, क्या जो है नीति है, अब ये जो है किसी की समझ में नहीं आ रही है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट निकलती आती रहेगी कोई भी जिले से, एट ए टाइम आप लोग को इसी तरह जो है जानकारी देते रहेंगे। आप लोग बस जुड़े रहिएगा और जो है हमारे चैनल के जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा, ठीक है। तो यही कुछ अपडेट था, यही कुछ न्यूज़ था इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना था। तो आशा करूँगा न्यूज़ आप लोग को पसंद आया, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो में और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।